नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे जयपुर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी साथ में मौजूद है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से सीधे सांगानेर स्टेडियम के लिए रवाना हुए हैं। हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर सीएम भजनलाल पहुंचे हैं, दिल्ली के दौरे के बाद जयपुर सीएम लौटे हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर पहुंच चुके हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी जयपुर पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर पहुंचे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, मुख्यमंत्री भजनलाल अब पहुंच चुके हैं जयपुर और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं और कहा जा रहा है एयरपोर्ट से सीधे सांगानेर स्टेडियम के लिए रवाना हुए हैं, क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो दिवसीय दौरे के ऊपर दिल्ली से आज वो लौटे हैं यहाँ पर, जो स्टेट हैंगर पर आप देखिए। कुछ ही क्षणों के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस यहाँ पर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, सीधे वो सांगानेर स्टेडियम के अंदर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। उनके साथ अभी इस वक्त जो मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जो प्रेमचंद बैरवा हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं उनका जो कारगेट है वो लग चुका है। यहां पर उनका जो प्लेन करीब 5 मिनट से ज्यादा का जो वक्त हो चुका है कि जब वहां पर यहां पर लैंड किया था। और आप ये अब तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहां पर जो कारगेट यहां पर जो निकलता हुआ नजर आ रहा है, गेट खुल चुका है यहां पर स्टेट हैंगर का और ये मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो बाहर निकलता हुआ आप ये देखिए। मुख्यमंत्री यहाँ पर इस जो व्हीकल के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि उनका जो काफिला है, जो कारगेट है वो रवाना हो चुका है। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे के बाद जयपुर सीएम भजनलाल लौटे हैं और तस्वीरें जिसमें आप देख पा रहे हैं कि काफिला रवाना हो चुका है और सांगानेर स्टेडियम अब ये काफिला पहुंचेगा, तो वहां पर कार्यक्रम का आयोजन उसी में भाग लेने के लिए सीएम पहुंचे हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम भी जयपुर पहुंचे हैं, दिल्ली दौरे के बाद जयपुर सीएम लौट आए हैं, एयरपोर्ट से सीधे सांगानेर स्टेडियम के लिए रवाना। रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन, अब सांगानेर स्टेडियम के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन, क्या दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पहुंचेंगे, इसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, अभी तक जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो पहुंचने का कार्यक्रम है, ऐसे में उनके पीछे जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा वो भी निकले हैं, संभवतः वो भी सांगानेर के जो कार्यक्रम में शिरकत करें। आप देखना ये होगा कि जो यहां पर जो तमाम तैयारियां की गई है विकसित भारत जो संकल्प जो यात्रा कार्यक्रम को लेकर, यहां पर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं लगातार जो सांगानेर के जो लोग हैं सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भजनलाल शर्मा का ये वो इलाका है जहां से ये वो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जो विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे में हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है और यहां पर लोग करीब पहले 11 बजे का समय था, फिर जो समय के अंदर बदलाव देखने को मिला 12 बजे किया गया और वहां से हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो डटे हुए थे, लोगों को काफी उम्मीद है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब सीधे सांगानेर स्टेडियम के लिए वहां पर पहुंचे हैं, विकसित भारत जो संकल्प यात्रा जो लेकर वो यहां पर जो कार्यक्रम है उसमें उनका संबोधन यहां पर रहने वाला है। सबसे बड़ी जो बात है, सबसे जो बड़ी जो टिकटिकी है वो ये है कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने जो कैबिनेट जो मंत्री हैं उनकी लिस्ट लेकर आए। देखिए, हर किसी की जो निगाहें हैं इस बात के ऊपर टिकी हुई है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, ऐसे में उनमें कौन कौन से नाम है वो रहने वाले हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो बीजेपी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुकेश दादी जी क्या कुछ कहेंगे, भजनलाल जी आपके साथी थे, मुख्यमंत्री बने आज? देखिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच का कार्यकर्ता जब एक पार्टी ने उनको मौका दिया और मुख्यमंत्री बनाया, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है और पूरे राजस्थान में हिंदुस्तान के कार्यकर्ता इस पे गर्व करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है।
मुख्यमंत्री जी एक लिस्ट लेके आए हैं, बताया जा रहा है कि जो कैबिनेट जो विस्तार है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं, ये उनका विशेषाधिकार है, वो जो करेंगे ठीक करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व तो उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है, हर एक को ये जानना चाहता है कि जो कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिलेगी। देखिए ये अपने आप में अहम है, इसी के ऊपर टिकटिकी लगाए हुए बैठे हुए हैं लोग, ऐसे में अब देखना योग्य कि किन चेहरों को मौका मिलता है। देखिए बीजेपी जो आलाकमान है, बीजेपी जो नेतृत्व है वो चौंकाने वाले नामों के लिए जाना जाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो कद्दावर जो नेता हैं, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज बढ़ी हुई है। तो वहीं जो युवा एमएलए हैं उनमें ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उन्हें कैबिनेट के अंदर जगह मिल सकती है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो 15 से जो 20 नाम रहने वाले हैं, ऐसे वो कौन नाम होंगे, ऐसे वो कौन से चेहरे होंगे जिसमें जातिगत जो समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, युवा होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, ऐसे उन युवा विधायकों के ऊपर निगाहें हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कौन कैबिनेट में जो अपनी जगह बना पाता है। बिल्कुल रोशन, अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई युवाओं को भी मौका मिल सकता है और हमेशा से ही बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों की वजह से जानी जाती है। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी है रोशन कि 2 से 3 दिन में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और सीएम वो सूची लेकर के पहुंचे हैं। चिंतन मंथन काफी हो चुका है और जातीय समीकरण साधने की भी पूरी तैयारी है 2024 के लिहाज से। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये स्पष्ट है कि 5 महीनों बाद में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में किसी भी तरीके की जो बीजेपी आलाकमान है देरी नहीं चाहता है, लापरवाही नहीं चाहता है। जो बीजेपी आलाकमान का जो विजन है वो धरातल के ऊपर देखने को मिले। जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पेपर लीक को लेकर, उसका जो इफेक्ट आम जनता के बीच में देखने को मिले, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी लापरवाही नहीं चाहती है कि जो कैबिनेट विस्तार के अंदर डिले हो। इसी को देखते हुए आप देखिए कि कल आनंद फानन में मुख्यमंत्री को बुलाया गया, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को वहां पर बुलाया गया, जो विस्तार से चर्चा हुई जिसके अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे, गृह मंत्री अमित शाह रहे, इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, राजस्थान से जुड़े हुए जो नेता हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ओम बिरला हो, उपराष्ट्रपति से आज वो मिले, तो ऐसे वो तमाम जो नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। वहां पर कल राजेंद्र राठौड़ पहुंचे, इसके अलावा किरोड़ी मीणा से उनकी मुलाकात हुई। तो अपने आप में तय है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो पहले। बिल्कुल रोशन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। जयपुर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, दिल्ली दौरे के बाद जयपुर लौटे सीएम। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नितिन गडकरी से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे सीएम। मुख्यमंत्री